हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इजीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो इसका साधारण सा अर्थ होता है कि सरकार द्वारा किया गया खर्च उसके पास उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक है, अर्थात सरकार आय से अधिक खर्च कर रही है। राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, सरकार पर ऋण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। राजकोषीय घाटे को मात्रात्मक रूप अथवा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब मैं एक प्लेन पेज में आपको बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी हम परिवार से ले लेते हैं। जैसे सरकार एक पूरा परिवार है, उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक परिवार है, वहाँ पर कितनी राशि खर्च की जाती है। जैसे किसी की सैलरी कितनी है, मान लीजिए किसी फैमिली की इनकम पर ईयर मान लीजिए 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, लेकिन वह हर साल लगभग 5,50,000 रुपये खर्च करता है। 5,50,000 खर्च करता है, तो इसका मतलब ये जो 50,000 वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, वो कहीं कहीं ना कहीं से ऋण लेके खर्च कर रहा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्च किया जा रहा है, हम इसे ही क्या कहते हैं कि यह है, इसे हम कहेंगे कि ये राजकोषीय घाटा। इसे जब हम भारत के उसमें, तो ये हमें समझ में आएगा कि ये राजकोषीय घाटा कहलाएगा, कि सरकार जो भी खर्च कर रही है उसकी जितनी इनकम है वह उससे ज़्यादा खर्च कर रही है। इसे इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार की जितनी इनकम है वह पर ईयर हर साल उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, जितना खर्च कर रही है उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है।